Redmi, Xiaomi या Poco डिवाइस के लिए अगर आपको Android 13 से इंस्पायर्ड एक थीम चाहिए, ये थीम आप ट्राई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद आपका पूरा फ़ोन का लुक चेंज हो जाएगा, आपको Google का फोल्डर में काफ़ी अच्छा आइकन्स देखने मिलता है और काफ़ी क्लीन लुक के साथ देखने मिल जाएगा। आपका टूल्स का फोल्डर में भी आइकन चेंज हो जाता है, होम स्क्रीन में भी आपका आइकन चेंज होता हुआ देखने मिल जाएगा, एक भी आइकन्स मिसिंग नहीं है। बट आपका जो आइकन पैक का कोई ठिकाना नहीं है और विजेट भी आपको Android 13 से इंस्पायर्ड देखने मिल जाएगा। मटेरियल से इंस्पायर्ड आपको थोड़ा बहुत लुक देखने मिलता है। कंट्रोल सेंटर आपका MIUI 12.5, 13, 14 सभी का चेंज हो जाएगा। न्यू टैब का टॉगल्स, न्यू टैब का UI देखने मिलता है। और अगर आप चाहिएगा बाकी जैसे किसका सेटिंग्स में, तो सेटिंग्स में भी आपको न्यू टैब का टॉगल्स देखने मिलता है। और आपको जो है डार्क मोड एनेबल करने में ब्लैक बैकग्राउंड देखने मिल जाएगा, कलरफुल टॉगल्स है और टॉगल्स काफ़ी क्लीन लुक के साथ देखने मिलता है। अगर आप चाहिएगा बाकी जैसे किसका अबाउट फोन में, तो चेंजेस होना चाहिए था बट चेंजेस नहीं होता है। और आपका डिटेल इन्फो या आप एंड स्पेक्स में, मतलब ऑल स्पेक्स में भी आपको चेंजेस थोड़ा बहुत चेंज देखने को मिल जाएगा। और अगर आप चाहिएगा बाकी जैसे इसका डिस्प्ले में, तो डिस्प्ले में भी आपको चेंजेस देखने मिलता है। और बचता है आपका पासवर्ड एंड सिक्योरिटी में, तो इसमें भी आपको चेंजेस होना चाहिए था बट चेंज नहीं होता है। और एडिशनल सेटिंग्स में भी चेंजेस नहीं देखने को मिलेगा, तब भी आपको लुक काफ़ी अच्छा और क्लीन लुक देखने मिलता है ये थीम में। अगर आपको ट्राई करना, ट्राई कर सकते हैं। डायलॉग मैसेजेस आप चेंज नहीं होता है और वॉल्यूम स्लाइडर में भी चेंजेस नहीं देखने मिलता है, जो कि चेंजेस होना चाहिए क्योंकि थीम सच में काफ़ी अच्छा है। बट कुछ जगह मिसिंग आपको इसमें देखने मिल जाएगा कस्टमाइजेशन। और अगर आप उसका लॉक स्क्रीन में देखेंगे, तो लॉक स्क्रीन आपको एंड्रॉइड 13 से इंस्पायर्ड कंप्लीट लुक के साथ देखने मिलता है। कस्टमाइज करने का ऑप्शन भी देखने मिलता है, जो कि अपने हिसाब से जो आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं, जो कि आपका टाइम का बजट का पूरा कलर कस्टमाइज हो सकता है काफ़ी इजीली। बस आपको जो है वो मतलब कि सेटिंग्स का या कस्टमाइज का टॉगल में टैप करना, फिर आपको जो कलर्स अपने हिसाब से स्लाइडर्स को मूव करके चेंज करके सेट कर सकते हैं। और बस सेट कीजिए, यूज़ कीजिए, बताइए कैसा लगा आपको ये थीम। मेरे को पर्सनली इसका लॉक स्क्रीन का जो कस्टमाइजेशन काफ़ी अच्छा लगा, आपका जो है होम स्क्रीन भी काफ़ी अच्छा, कंट्रोल सेंटर भी काफ़ी अच्छा है। अगर आपको चाहिए ऐसा कुछ एंड्रॉइड 13 से इंस्पायर्ड थीम, जो कि अब इसमें आपको जो एक नया एनिमेशन भी देखने को मिलता है लॉक स्क्रीन में, जो कि कस्टम रॉम्स में जाकर देखने को मिलता है। अगर आपको ये थीम अच्छा लगा, डाउनलोड मारना है, इसके लिए आपको सर्च करना होगा Tandra T। जैसे आप सर्च कीजिएगा TANDRAT, आपको ये थीम मिल जाएगा Tandra T। सर्च कीजिए, अप्लाई कीजिए, बताइए आपको कैसा लगा ये थीम Tandra T। आई होप आपको ये थीम और ये वीडियो पसंद आया होगा। थीम पसंद आया, वीडियो पसंद आया, जाओ यार एक लाइक मारो, मेहनत लगता है तो जाओ लाइकिंग कम्प्लीट करो, 130 लाइक्स कम्प्लीट कर दो। वीडियो को शेयर करो, कुछ पूछना नीचे कॉमेंट करो, सजेस्ट करो, चैनल को जाओ जल्दी से सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को टैप करो, नोटिफिकेशन कॉल में रखो, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए वेट करो, डेली मिल जाएगा। और बस थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।